हम लोगों की मांगे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जल्दबाजी में जबरदस्ती में इन्होंने टाइम टेबल लागू करके और कोटा पूर्ति करके इन्होंने 2 मई से परीक्षाएं प्रस्तावित की। उनकी मांग है कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन की जाए, और ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत हम लोग जो चाहते हैं, जो मांग कर रहे हैं 2 दिन से, हम लोग मिलने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ के बीसी से और परीक्षक नियंत्रक से, लेकिन 2 दिन से हमारा सिर्फ ज्ञापन लिया जा रहा है। मांग ऑनलाइन इसलिए क्योंकि हमारी कक्षाएं नहीं चली, 30 से 25 दिन की कक्षाएं चली, जिसमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ कोटा पूर्ति कराया गया सिलेबस का। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक बार फिर ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। नाराज छात्रों ने मेन गेट जाम कर दिया। पुलिस ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र लगातार ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग करते रहे। छात्रों का ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। नारेबाजी कर रहे ये छात्र एमए फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सिलेबस पूरा नहीं कराया गया है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जाम करा रहा है। छात्रों ने पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त भी मांगा है। वहीं छात्रों ने सुरक्षा गार्डों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। हम लोगों की मांगे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जल्दबाजी में जबरदस्ती में इन्होंने टाइम टेबल लागू करके और कोटा पूर्ति करके इन्होंने 2 मई से परीक्षाएं प्रस्तावित की, जो हम लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एसआई यूपीएसआई का 5 और 6 को लगा है डीबी और फिजिकल, और 9-8 तारीख को बीआरपीसीएस का है और 9 तारीख को एनटीपीसी का लगा है। उसके आगे लेखपाल की हम लोगों के लिए समय है नहीं, और परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं भी देनी है, और यहाँ की परीक्षाएं भी प्रस्तावित की गई हैं, जो पूरा सिलेबस नहीं होने की वजह से हम लोग बैठने के लिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन देंगे ऑफलाइन नहीं देंगे। मांग ये है कि ऑफलाइन परीक्षा ना कराई जाए, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए, सीधी सी बात है। नाम मेरा ईश्वरचंद्र दीक्षित है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन की जाए, और ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत हम लोग जो चाहते हैं, जो मांग कर रहे हैं 2 दिन से, हम लोग मिलने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ के बीसी से और परीक्षक नियंत्रक से, लेकिन 2 दिन से हमारा सिर्फ ज्ञापन लिया जा रहा है, और हमको कहीं कहा जाता है वहाँ जाइए डिपार्टमेंट में अपने, कहीं कहता है बीसी के पास जाइए, कभी कहते हैं परीक्षक नियंत्रक के पास जाइए, कभी पुलिस बल को बुलाया जाता है और लाठियों के दम पर डराया जाता है, कभी यहाँ का जो है प्रशासन कहता है कि मैं गोलियां चलवा दूंगा। आज देखिए स्थिति हो गई है कि हम लोगों का हम लोग साथ हाथापाई हुई और ये हमारे शर्ट को फाड़ दिया गया है। हम लोग का एक आम छात्र है, हम लोग के अंदर बहुत आक्रोश है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। मैं दीपेश त्रिपाठी आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ, आप समस्त लोग आकर के इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में हम लोग का मांग हमारी सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम है, वो भी सभी विद्यार्थियों के लिए, एक मांग ऑनलाइन इसलिए क्योंकि हमारी कक्षाएं नहीं चली, 30 से 25 दिन की कक्षाएं चली, जिसमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ कोटा पूर्ति कराया गया सिलेबस का। उसके बाद T1 T2 भी चल रहा है, 26 तारीख लास्ट T2 दिए हैं, अब उसके बाद 26 और 27 तारीख को बताया जाता है कि आपका 2 मई से हिंदी डिपार्टमेंट का 2 मई से ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद और फिर एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं, एडमिट कार्ड पता नहीं किसका, लड़की लड़का कोई पता ही नहीं, ये गलती। उसके बाद जबरदस्ती कहते हैं आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। यही हमारी मांग है कि हमारी सिर्फ ऑनलाइन हो, सिर्फ ऑनलाइन बस, ना हमें सिर्फ पढ़ाया गया ना लिखाया गया, जबरदस्ती दे दिया गया कि तुम्हारा कंप्लीट हो गया कोर्स बस। और ये एयू का इतिहास रहा है कि 15 से 20 दिन पहले बताया जाता था कि इस डेट को परीक्षा होगी, इस डेट को एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन जबरदस्ती 3 दिन में सब कुछ फाइनल कर दिया गया अपने मन से कि दिन को बस कई बच्चे प्रदर्शन न कर पाए, प्रदर्शन करने में आए 2 दिन चला जाए, 2 तारीख से एग्जाम हम ले लें, कि ये लोग आए नहीं, बताएं हम लोग करें क्या, 2 तारीख को पेपर दे कि पढ़े कि लिखे, और उसके बाद हमारा परीक्षा लगा है, निन्न परीक्षा लगा है। हाँ, सब कुछ। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।